लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट में छठ पूजा को लेकर शुरू से ही समस्या देखी जा रही है। सौंदर्यकरण के लिए महानंदा नदी के किनारे बनाए गए रेलिंग को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच आज छठ पूजा आयोजकों ने मुंह पर काला पट्टी बांध महानंदा नदी में उतरकर मौन प्रतिवाद किया है। गौरतलब है कि छठ व्रतियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने मंगलवार को रेलिंग तोड़कर गेट बनाने का काम शुरू किया, जिससे श्रद्धालु घाट पर उतर सके, लेकिन पूजा आयोजकों ने इसका प्रतिवाद किया है। उनका कहना है कि सौंदर्यकरण के लिए बनाए गए रेलिंग को ना तोड़ा जाए, लेकिन छठ पूजा के दौरान हो रही समस्याओं को लेकर इन लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। वहीं इस बार लाल मोहन मौलिक निरंजन घाट में छठ पूजा होगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति अब भी बरकरार है, जिसके कारण आज पूजा आयोजकों ने मुंह पर काला पट्टी बांधकर महानंदा नदी में एक घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, अभी तक कोई सिद्धांत नहीं हुआ। कल सिलीगुड़ी शहर के जितने छठ पूजा समिति है सबको बुलाया गया था। बहुत दुख की बात है कि सुख की बात है कि सब आदमी हम लोग एक जगह बैठे थे, वहाँ पर यूनिवर्सली एक डिसीजन हुआ है कि हम लोग शांतिपूर्वक, क्योंकि हम लोग समाज के समझदार आदमी, हम लोग शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट करेंगे, नदी में खड़ा होकर जल सत्याग्रह करेंगे हम लोग शांतिपूर्वक। क्योंकि आप एक चीज़ ख्याल करिए कि जिस चीज़ लेकर डिस्प्यूट है वो है यहाँ पर जो आदमी लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर 50 से 55 मीटर नो एंट्री जोन कर दिया गया है, तो हमारा जो व्रती लोग कैसे पूजा करेंगे, कहाँ जाएंगे, यही हमारा मेन प्रोटेस्ट है। देखिए, हमें लग रहा है कि हमें पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग कल बैठे थे, सब सेवा समिति के आदमी आए, यहाँ सिद्धांत हुआ है कि आज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अभी फिर हम लोग बैठेंगे कि नेक्स्ट शेड्यूल में क्या है। अच्छा, एक कंडीशन करते हैं, हम लोगों ने मूलतः जो ठीक किया था कि बिहारी कल्याण मंच के बैनर के अंतर्गत ही सारे बिहारियों को बुलाया जाए, जो लोग बिहारी कल्याण मंच के साथ है नहीं है सब एक एकत्रित हो। आज भी वही सिद्धांत पे हम लोग थे, फिलहाल अभी भी हम उसी सिद्धांत पे थे। उसी के कारण से ये हुआ था कि सभी बिहारियों को एक साथ किया जाए, लेकिन बार बार वही चीज़ होता है कि एक दोनों में आपसी में कहीं से कहीं मतभेद आ ही जाता है। तो जो प्रतिवाद है कि बार बार किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीति का, और हमें साथ, बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, लेकिन सबसे बड़ा बात राजनीति ना करें छठ को लेकर। छठ को छठ रहने दें और छठ को लेकर समुचित व्यवस्था आपको बहुत पहले अभी भी चाहिए थी। अभी भी आपके पास समय है, हमारे कार्य में ये चीज़ जो है, ये हम लोग यहाँ 100 साल से पूजा करते हैं, कभी भी आपको कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नदी में पानी देखिए, हम लोग खड़ा हुए हैं, तो जब हम लोग नदी में खड़ा हुए हैं पानी, अब जब हम बोलिएगा तो हम उतर के दिखाते हैं। फिर इसको नो एंट्री क्यों किया गया, ये आदमी कहाँ जाएंगे पूजा करने।